हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। तो देखिए, होता क्या है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो उसको हम कई बार कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर। जो कैरियर सिग्नल होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैरी करता है, लेके जाता है साथ में, तो उस कैरियर सिग्नल के बेस, उसकी फ्रिक्वेंसी के बेस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि अलग अलग रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम अलग अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अब रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो देखिए, इसको आपको सिंपली ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए यहाँ हमने दिया फ्रिक्वेंसी, यहाँ हमने दिया किसाब उसके बारे में डिटेल, या ऐसे लिख लीजिए डेजिग्नेशन कि किस तरह की फ्रिक्वेंसी होती है, डेजिग्नेशन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्रीवेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने ये इसको तीन कॉलम्स में सेपरेट कर दिया। अब इसको आप वन बाय वन समझिए कि जैसे पहले जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 30 हर्ट से लेकर और 300 हर्ट तक। ठीक है, तो इस हर्ट्स की जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, दे आर वेरी एक्सट्रीमली, यू कैन से एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। इसको पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में सारा खेल फ्रीक्वेंसी का ही होता है। एक ही चैनल से आप जो इतने सारे सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसमें। किसी टाइम कोई फ्रीक्वेंसी रेंज ट्रांसमिट होती है, किसी टाइम कोई फ्रीक्वेंसी रेंज ट्रांसमिट। तो ये एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ELF। ये होती है 30 से 38 300 हर्ट्स की। अब 300 के बाद 300 से जो 3000 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं वॉइस फ्रिक्वेंसी या ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये जो ह्यूमन वॉइस होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज इससे इसके बीच में होती है, इसको हम लिखते हैं VF, वॉइस फ्रिक्वेंसी। उसके बाद अब इसको 3000 हर्ट से, यानी इसको लिख लीजिए 3 से लेकर और 30 किलो हर्ट्स, ये गड़बड़ हो गया, किलो हर्ट्स लिखना था आपको ये। तो ये 3000 हर्ट से लेकर और 30000 हर्ट तक, ऐसे समझ लीजिए, या 3 किलो हर्ट से लेकर 30 किलो हर्ट तक, ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये कहलाती है वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ये तो एक्सट्रीमली लो थी, दिस इज कॉल्ड वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं VLF। ठीक, उसके बाद 30 किलो हर्ट से लेकर और 300 किलो हर्ट तक, तो 30 किलो हर्ट से 300 किलो हर्ट तक की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, ये होती है मीडियम फ्रिक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड मीडियम फ्रिक्वेंसी। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MF। ठीक है, उसके बाद अब इसको क्या कीजिए आप, ये 300 किलो हर्ट्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 MHz लिख सकते हैं। तो अब इसकी यूनिट चेंज कर दीजिए, सिर्फ आपका 0.3 MHz से लेकर और 3 MHz तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, 0.3 से 3 तक, नहीं 0.3 से 3 तक, देखिए ये एक्सट्रीमली लो हो गया, फिर वॉइस फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर वेरी वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो गई। अच्छा, वेरी लो के बाद ये जो है आपका लो फ्रिक्वेंसी, तो ये गड़बड़, ये मीडियम नहीं है, ये लो है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, ये वेरी लो के बाद ये हो गई लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी को लिखते हैं हम LF। उसके बाद ये जो 0.3 से 3 MHz होती है, ये कहलाती है मीडियम फ्रिक्वेंसी, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MF। अब 3 MHz के बाद आप आ जाइए, तो 3 से लेकर 30 MHz तक, 3 से 30 MHz तक,
ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ये कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग लिखते हैं HF, ठीक। उसके बाद हाई के बाद क्या होता है, वेरी हाई, यानी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कहलाती हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, ठीक। उसके बाद अब मेगा हर्ट्ज को आप यूनिट चेंज कर दिए गीगा हर्ट्ज में, तो ये हो गया 0.3, यानी गीगा हर्ट्ज मतलब 300 मेगा हर्ट्ज, यहां से लेकर 3 गीगा हर्ट्ज तक जो होता है ये कहलाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं UHF, और फिर ये 3 हर्ट यहां तक आ गए, फिर 3 हर्ट गीगाहर्ट से 30 गीगाहर्ट तक का जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं दे आर कॉल्ड सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, दे आर कॉल्ड सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं SHF, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद 30 गीगाहर्ट से 300 गीगाहर्ट तक, तो 30 गीगाहर्ट से जो 300 गीगाहर्ट तक की फ्रिक्वेंसी जो होती है ये कहलाती है एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, और इसको हम लिखते हैं EHF। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, मतलब अलग अलग रेंज की फ्रिक्वेंसी अलग अलग कैटेगराइज कर दी गई है, और इनका ये एब्रीवेशन दे दिया, ये इनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब देखिए इस टेबल में एक चीज ये आपको देखने वाली है कि द रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम गिवन इन दिस टेबल इज ए पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो हम आपने पूरी टेबल जो आपने देखी है ये क्या है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है कि ये केवल एक पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो यूज होती हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो आपने देखा है दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है कि इन इन द कमिंग ईयर, इन द रिसेंट ईयर्स क्या हुआ कि एंड इंक्रीजिंगली लार्जर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज बीन यूटिलाइज फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी अभी हम लोग बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट लेक्चर में, या इसको आज भी डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि इसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेक्चर लेंदी हो जाएगा, अदरवाइज इसको आज ही डिस्कस। तो अभी आप इसको ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो आज हमने पढ़ा रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और अब आज के समय में रिसेंट ईयर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का काफी लार्ज पोर्शन डेटा ट्रांसमिशन में यूज होता है, डेटा को एक जगह से या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन इज यूजुअली ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन चैनल बाय सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन टू ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। तो एट द डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्स सिग्नल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कल आपको हमने बता दिया था लास्ट लेक्चर में। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द कैरियर। तो होता क्या है कि आज के समय में जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कल जैसे हमने आपको बताया था मॉड्यूलेशन में क्या था कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, जो ओरिजिनल सिग्नल या उसी को हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, कैरियर सिग्नल के साथ। तो ये और तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था।
और ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है इसी को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी ज्यादा होगी, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसीलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के कैरियर सिग्नल को यूज किया जाता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि एन इंक्रीज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी थ्योरेटिकली इंक्रीजेस द अवेलेबल ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एंड प्रोवाइड्स ए लार्जर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। तो जितने ज्यादा आप रेंज की कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, इस कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रेंज जितना ज्यादा होगा, चैनल की बैंडविड्थ उतनी ज्यादा होगी, यानी उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इसीलिए ज्यादा हाई से हाई फ्रिक्वेंसीज आर यूज्ड। ठीक, अब इसमें जैसे आप वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोग अवेयर है काफी अच्छी तरह से, जैसे टेलीविजन है, ठीक है, और आपका रडार है, ये सारी चीजें जो आप जानते हैं, फिर माइक्रोवेव लिंक है, ये सैटेलाइट्स में यूज होता है, माइक्रोवेव लिंक। ठीक, और क्या बचा आपका, फाइनली ऑप्टिकल लिंक। ऑप्टिकल लिंक, तो ये जो सेटल कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड है, हमारे पास लिंक है या माध्यम है, जैसे टेलीविजन हो गया, रडार हो गया, माइक्रोवेव लिंक हो गया और ऑप्टिकल लिंक हो गया। ठीक है, ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हम हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के कैरियर सिग्नल को यूज करते हैं। ठीक है, अब तो अभी तो आपने ये रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और इसमें आगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम लोग बात की है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।